तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू साहू टेक्निकल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और बात करें आज की इस वीडियो का, इस तरह का जो है बमरिंग इफेक्ट बनाने के लिए काइनमास्टर के अंदर इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और दोस्तों साथ में मैं कलर फेड इन फेड आउट जो इफेक्ट है दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं काइनमास्टर के अंदर बमरिंग जो इफेक्ट है उसे करके दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसके लिए फ्लैश पे क्लिक करके 16:9 पे प्रोजेक्ट ओपन करना होगा और यहां पर मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों आप यहां पर इस तरह का वीडियो भी ले सकते हैं और कोई भी ब्रेक डांस वाला वीडियो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का जो पहला पार्ट मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से तो जंप होगा, तो यहाँ पर जंप होने के पहले टाइम पे मैं एक काट करूँगा, इस टाइम पे एक काट कर दूँगा। और गिरने के थोड़े से पहले टाइम पे इस टाइम पे मैं एक काट कर दूँगा। और ये जो मिडिल का पार्ट काट है इसको मैं दो बार डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट दो बार करने के बाद हम लोगों का जो मिडिल का पार्ट होगा इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों का जो रिवर्स इफेक्ट है हो चुका है, बमरिंग इफेक्ट। और दोस्तों इस वीडियो पे मैं और एक जगह पे जो है इस तरह का इफेक्ट लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइम से जो है एक इफेक्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काट कर दूंगा और ये जो पार्ट है वीडियो का इसको मैं दो बार डुप्लीकेट कर दूंगा। दो बार करने के बाद हम लोग यहाँ पर मिडिल का जो वीडियो है इसको सेम तरीके से जो है रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी आप लोगों को मैं पहले से वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग कलर फेड इन आउट इफेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये जो इफेक्ट है हम लोग नया वाला काइनमास्टर के अंदर करने वाले हैं, 4.15 जो नया वाला वर्सन है। तो दोस्तों उसको आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके 16:9 पे रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूँ, इसके अंदर कलर फेड इन आउट इफेक्ट डालेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग पहले यहाँ पर डुप्लीकेट एस लेयर कर देंगे। तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट एस लेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये जो लेयर का वीडियो है इसको स्प्लिट स्क्रीन पे जाके फुल स्क्रीन कर देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के जो है मिडिल पे काट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक काट कर देता हूँ। उसके पहले हम लोग कलर फिल्टर पे जाके यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इसका जो ऑपेसिटी है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर काट कर लेंगे मिडिल पे। आपके वीडियो के मुताबिक आप काट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से काट कर देता हूँ। I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. और इस वीडियो को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसको, इसका जो आउट एनिमेशन है आप फिट कर दीजिए और इसका ड्यूरेशन फुल कर दीजिए। तो उसके बाद हम लोग दूसरा वाला जो वीडियो है इसका इन एनिमेशन पे जाके उसको भी फिट करेंगे और इसका भी ड्यूरेशन जितना हो सके बढ़ा देंगे। इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए वीडियो का जो ड्यूरेशन आप पहले बढ़ा दीजिए, उसके बाद उसका इन एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इफेक्ट अच्छा लगेगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस तरह का वीडियो हर टाइम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। I won't ever let my thoughts